हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए C सीरीज के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। Realme की तरफ से अभी थोड़े ही दिन पहले Realme C सीरीज का नया स्मार्टफोन Realme C30 इंडिया में लॉन्च किया गया था। अब उसी फोन का सक्सेसर Realme C30S भी इंडिया में अनाउंस कर दिया गया है। ये वाला जो स्मार्टफोन है डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है एंड ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है एंड क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको एज ऑलवेज प्लास्टिक दी गई है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलता है। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बिल्ड क्वालिटी आपको प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया मिल जाती है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। वेटेज की अगर बात करेंगे तो 186 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है एंड 8.5 mm की थिकनेस है। तो लाइट वेट फोन है, स्लिम फोन है एंड अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, अच्छा दिखता है। बैक पैनल में देखेंगे तो टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर सिंगल कैमरा की हाउसिंग है, साथ ही में आपको एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग आपको दी गई है। बैक में आपको स्ट्राइप वाला थोड़ा सा टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में अगर देखेंगे तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में फोन दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की चिन आपको देखने को मिलती है। एंड कलर्स की बात करेंगे तो स्ट्राइप ब्लैक कलर में एंड स्ट्राइप ब्लू कलर में, दो कलर्स में फोन दिया गया है। दिखने में दोनों कलर्स काफी अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट दी गई है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आने वाली है। गुड लुकिंग स्मार्टफोन खरीदना है डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले दिया गया है। रियलमी के सी सीरीज के सभी फोन्स में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है भाई, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, HD प्लस रेजोल्यूशन है, IPS LCD पैनल है, वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी है एंड 400 nits की आपको ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले का साइज अच्छा है, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका डिसेंट रहेगा, ब्राइटनेस आपको डिसेंट मिल जाती है, विजिबिलिटी की ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। रिफ्रेश रेट की अगर बात करेंगे तो 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट है एंड 120Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। मेरे हिसाब से प्राइस सेगमेंट को देखते हुए डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन को शक्ति प्रदान करता है यूनी SoC की तरफ से आने वाला SC9863A प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है बाबा आदम के जमाने का प्रोसेसर है भाई, 28 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, 28 नैनोमीटर। आज हम उस जमाने में हैं जहां पर 4 नैनोमीटर के चिपसेट आपको मिलते हैं, यहां पर Realme ने 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट दिया है। हीटिंग का इशू भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बैटरी कंजप्शन भी फोन का ज्यादा रहेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 1.6 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है एंड 8 के 8 A55 वाले कोर्स यहां पर आपको मिलते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस तो आपको डिसेंट मिल जाएगी, डे टू डे की परफॉर्मेंस में आई थिंक आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी, लेकिन गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए IMG PowerVR 8322 GPU यहां पर आपको दिया गया है, जो कि कैंडी क्रश आपको खिला सकता है, सबवे सर्फर आपको खिला सकता है, वो भी डिसेंट गेमिंग के एक्सपीरियंस के साथ में। लेकिन हेवी गेम्स यहां पर आप बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, PUBG, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये अगर आप खेलना चाहते हैं डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहेगा। सो गेमिंग ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस आपको उतनी बेटर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ LPDDR4 RAM दी गई है एंड eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलता है। सो परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी खराब मिलेगी। जिस प्राइस सेगमेंट पर ये फोन लॉन्च किया गया है डेफिनेटली परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती है, इससे बेटर परफॉर्मेंस इसी सेगमेंट में बहुत सारे फोन्स में आपको मिलती है। सो यस, परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा खराब स्मार्टफोन है। नाउ कैमरास की अगर बात करेंगे तो एक कैमरा पीछे की तरफ दिया गया है, एक कैमरा आगे की तरफ दिया गया है। इस सेगमेंट में कैमरा से हमको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रेयर में आपको 8 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। 8 मेगापिक्सल्स के कैमरा के साथ में आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 5 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से आप 720 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर।
प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कैमरा सेटअप भी आपको वीक मिलता है। इससे बेटर कैमरा सेटअप बहुत सारे फोन्स में आपको मिल जाता है। मैं कैमरा रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेल्फी कैमरा जो यहां पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल्स का, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। यहां पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उतनी बेटर वीडियो क्वालिटी नहीं जाएगी। सेल्फी कैमरा में आपको 720p दिया गया है मैक्सिमम और 5 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया गया है। तो जिस पर्पस के लिए आप फोन लेंगे, वीडियो कॉलिंग के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो वहां पर डेफिनेशन उतनी बेटर आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो कैमरा सेटअप है उतना ज्यादा बेटर कैमरा सेटअप नहीं है। इससे बेटर कैमरा सेटअप बहुत सारे फोन्स में आपको ऑलरेडी मिल रहा है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। बैटरी का साइज अच्छा है, लेकिन बैकअप आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा क्योंकि 28nm का चिपसेट यहां पर लगाया गया है। सो बैकअप आपको डिसेंट मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। आई डोंट गेट दैट, जहां पर हमको छोटे छोटे गैजेट्स में टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, रियलमी ने यहां पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है फोन के अंदर। अब तो भाई साहब टाइप सी पोर्ट कंपलसरी हो जाना चाहिए, जैसा यूरोप में होने वाला है वैसा इंडिया में भी हो ही जाना चाहिए भाई साहब, कि टाइप सी पोर्ट देना तो जरूरी है, लेकिन यहां पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से एक डिसअपॉइंटमेंट है। उसी के साथ में 3.5mm जैक दिया गया है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और उसको बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट किया गया है कि इस सेगमेंट का एकमात्र ऐसा फोन है जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है, जो कि सही बात है। इस सेगमेंट में आपको किसी भी फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, केवल इस फोन में दिया गया है। लेकिन केवल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने के कारण आप फोन को तो नहीं खरीद सकते ना भाई, तो मेरे हिसाब से कोई उतनी बड़ी डील नहीं है भाई। यहां पर साइड माउंटेड दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज मेकर नहीं है। तो मेरे हिसाब से डिसेंट यहां पर आपको स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, शूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर तो नहीं मिलेंगे, जायरोस्कोप नहीं मिलेगा, एक दो सेंसर्स और मिसिंग है, तो लिमिटेड सेंसर्स यहां पर आपको मिलेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो एंड्रॉइड 12 पर आपको फोन दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स, साथ ही में मिलता है रियलमी यूआई गो एडिशन, जहां पर लिमिटेड फीचर्स आपको मिलते हैं। एंड सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपको शिकायत नहीं आएगी, दैट इज फॉर श्योर, सॉफ्टवेयर अच्छा है। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाएगी, लाउड रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, डेप्थ उतनी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन स्पीकर क्वालिटी से आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्पीकर क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाएगी। कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलेगा, जहां पर 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड भी आप लगा पाएंगे, एंड एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी यहां पर आपको मिल जाता है। सो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशन तो मुझे ठीक ठाक लगे, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वीक है, कैमरास वीक यहां पर आपको मिलते हैं, बैटरी मॉड्यूल ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी अच्छी है, एंड एज यूजुअल जैसा डिस्प्ले आपको बाकी सारे फोन्स में मिलता है वैसा ही दिया गया है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो 2 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया गया है, 2GB+32GB एंड 4GB+64GB। 2+32 का प्राइस है 7,499 रुपीज एंड 4+64 का प्राइस है 8,999 रुपीज। डेफिनेटली प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं मेरे हिसाब से, ये जो स्मार्टफोन है बिल्कुल मत खरीदना। Realme की तरफ से आने वाले दूसरे स्मार्टफोन्स खरीद लेना, जहां पर आपको इससे बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। Micromax की तरफ से जो फोन्स आते हैं वो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देते हैं। सेम प्राइस पॉइंट पर Micromax की तरफ से आने वाला Micromax Intune भी आपको मिल जाएगा 4+64 के साथ में, जहां पर इससे कहीं बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। अगर आपको केवल गुड लुकिंग स्मार्टफोन लेना है तो आप परचेस कर सकते हो, बाकी एज सच कुछ खास चीजें आपको इसमें नहीं मिलती है। आप मेरे को कॉमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है स्मार्टफोन, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।